Vardhman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhman Academy, Railway Road, Meerut. एनटीपीसी से अनुबंध होने के बावजूद नगर निगम अभी भी लोहिया नगर स्थित कूड़े के पहाड़ पर ही नया कूड़ा डाल रहा है। इससे उत्पन्न परेशानी व बीमारियों के चलते क्षेत्रीय नागरिकों ने आज से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। इन लोगों का खुला आरोप है कि लोहिया नगर स्थित कूड़े के पहाड़ की आड़ में जानवरों का अवैध कटान करते हुए यहाँ गंबेला संचालित किया जा रहा है। यदि ड्रोन से इनकी निगरानी की जाए तो बहुत कुछ सामने आ जाएगा। इसके अलावा आसपास के 8 गांवों के लोग कूड़े के इस पहाड़ से उत्पन्न गंदगी और दुर्गम के चलते गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। धरने का नेतृत्व कर रहे गाजीपुर के गौरव गुजर ने दावा किया है कि पिछले 6 माह में क्षेत्र में 10 लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होना सामने आया है। उनका यह भी कहना है कि गांवड़ी में नया प्लांट शुरू होने में अभी अभी 18 माह का समय लगने की बात कही गई है। कम से कम इस अवधि में यहाँ नया कूड़ा तो नहीं डाला जाए। एनजीटी के भी इस बारे में स्पष्ट आदेश है, बावजूद इसके नगर निगम की गाड़ियां यहाँ कूड़ा डाल रही है। गौरव ने चेताया यदि जल्द ही इसका समाधान न हुआ तो लखिया का भी सहारा लेने से वह पीछे नहीं हटेंगे। सोमवार को FirstBite.tv की टीम ने लोहिया नगर स्थित कूड़े के पहाड़ का दौरा किया। इस दौरान धरने पर बैठे लोगों से भी इस बारे में बात की। जी भैया, अपना नाम बताइए। मेरा नाम गौरव गुर्जर है, मैं जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय विद्युत गुर्जर सेना में रहता हूँ। और हमारे हापुड़ रोड जो लोहिया नगर है, जो नगर निगम द्वारा कूड़े के पहाड़ लगाए जा रहे हैं, पंडित बक्सीदास इंटर कॉलेज के 900 छात्राएँ बीमार के कगार पर है, उनका भविष्य चौपट है, उनका जीवन खतरे में है। और हमारे आसपास का क्षेत्र चाहे गोसीपुर हो, नराड़ा हो, लोहिया नगर हो, काजीपुर हो, जाइतपुर हो, हर कोई किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है। चाहे उसके पेट में दर्द है, चाहे उसे कैंसर है, अधिक से अधिक हमारे गांव में अभी 6 महीने के अंदर 10 कैंसर होने का बीमारी का शिकार हुए, कैंसर की बीमारी जी। सब लोग पीड़ित हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हम 2.5-3 साल से ज्ञापन दे रहे हैं, DM साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, नगर आयुक्त साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। नगर आयुक्त साहब का हमने घेराव किया अभी 1 महीने पहले, और जब इनका ट्रीटमेंट प्लांट, जब इनका कूड़ा निस्तारण प्लांट किला रोड पर गावड़ी में चल गया है, उद्घाटन हो गया है, तो ये यहाँ कूड़ा क्यों डालें, वहीं पर कूड़ा डालने का काम करें और इसे जल्द से जल्द हटाने का काम करें। उसमें अभी 1.5 साल का टाइम बताया कि लगेगा कूड़ा डाल, वो तैयार होने में चलने में तो 1.5 साल लगेगा, लेकिन वो अपना कूड़ा तो डाल सकते हैं। इन्होंने ज़मीन खरीद रखी है वहाँ, तो यहाँ तो इनकी ज़मीन भी नहीं है, तो MDA की ज़मीन है, MDA की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है इन लोगों ने। रिंग रोड जो है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो रोड बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, और ये हाईवे बंद करने का काम कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं नगर निगम वाले ये तो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि यहाँ पर इन्होंने कमेला चला रखा है, अगर इसकी जांच हो, ड्रोन से इसकी फ़ोटो लिए जाए, तो इसमें अभी भी अवशेष मिलेंगे पालतू जानवर, आवारा जानवरों के। अच्छा, तब क्या चाहते हैं आप? क्या हमारी मांग केवल 3 है। एक तो एक कूड़ा डालना बंद करें, दूसरा इसे जल्द से जल्द इनकी अवधि बताएं कि कब तक हटा देंगे, साल में हटा देंगे, 6 महीने में हटा देंगे, तीसरा ये ड्रोन से इसकी निगरानी करें, यहाँ अवैध काम हो रहे, गलत काम हो रहे, और इन्होंने कमेला चला रखा है खुले में। आपकी सुनवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आप? हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम अनिश्चित काल धरने पर बैठे हैं, और जरूरत पड़ी तो हम भूख हड़ताल भी करने का काम करेंगे, और सभी गाँव की आसपास के क्षेत्र की पंचायत बुलाने का काम करेंगे, और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। अभी हमारा समाज क्षेत्र सोया हुआ है, ये स्लो पॉइजन का काम कर रहा है, आसपास की हवा पानी सब खतरे में, सबकी जान खतरे में। जिस दिन ये जागरूक हो गए, इन्हें भगा भगा के नगर निगम को ऐसे लठियाने का काम करेगा हमारा क्षेत्र। साथियों, मेरा नाम सचिन प्रधान है, जिला हापुड़, गाँव मतनौरा। मैं इस आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों से एक आग्रह करना चाहता हूँ, लोगों को एक सुझाव देना चाहता हूं। जहां तक मेरा अपना एक मानना है, ये हापुड़ रोड पे जो आजकल गंदे प्लांट का कूड़ा ढेर लगा हुआ है, इससे सैकड़ों लोग बीमारी से पीड़ित हैं, सैकड़ों बीमारी पैदा हो रही हैं जो जन जन के लिए नुकसानदायक हैं। और सबसे भयंकर एक काम है
ये लोग यहाँ पे डाल रहे हैं बार बार मना करने के, बार बार एमडीए ने पिछली बार भी लिख के दिया था कि हम इस कूड़े के पहाड़ को 6 महीने में हटा देंगे, लेकिन आज तक कोई सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। और सबसे बड़ा एक उद्देश्य है इसे हटाने का, अपना कोई वर्चस्व नहीं है कि अपना कोई लीगल मैटर हो, सिर्फ हम यही जनता को बताना चाहते हैं और यही कहना चाहते हैं इस कूड़े के पहाड़ का जब तक यहाँ से निस्तारण नहीं होगा, ये जब तक इस जनता के बीच से नहीं हटाया जाएगा तब तक सैकड़ों जाने जाती रहेंगी। पहले भी ऐसा चलता आ रहा है, पिछली सरकारों में भी ये मांग रही है हमारी जनता से, और जनता ने बार बार आग्रह किया है लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुनिश्चित नहीं किया गया है। अभी पिछले महीने सरकार ने एक प्लांट लगाया है गाउंडी में, उसके लिए ज़मीन भी आवंटित हो गई है, 300 करोड़ रुपये का उसका बजट भी आया है, लेकिन बजट आवंटित होने के बाद, ज़मीन मिलने के बाद अभी तक कोई तत्काल में कार्रवाई नहीं हुई है। हम सभी लोग ये चाहते हैं कि जब ज़मीन वहाँ पे मिल गई है, सरकार ने प्लांट वहाँ सुनिश्चित कर दिया है, तो वहाँ से प्लांट हटाकर हापुड़ रोड से ये वहाँ पहुँचाया जाए और यहाँ से गंदा काम बंद करा जाए, जिसकी आड़ में सैकड़ों भाई हमारे ही भाई हैं, वो भी कहीं बाहर के नहीं हैं, जो गंदे लोग काम कर रहे हैं, गंदे काम यहाँ पर लगा रखे हैं, अवैध पशु कटान हो रहा है, जंगली पशुओं का कटान हो रहा है यहाँ पर। तो मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और हमारा सहयोग करें। जय हिंद साथियों। आप गौरव गुज्जर जी के धरना स्थल पर आए, क्या कहना चाहेंगे? अगर कूड़े का ढेर नहीं हटेगा जी, धरने पे मेरा नाम सरबजीत सिंह गुजर है और मैं भारतीय किसान संघर्ष का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आप गौरव गुज्जर जी के धरना स्थल पर आए, उसके बारे में जो चल रहा है, ये कूड़े का जो अंबार लगा दिया, पहाड़ खड़ा हो गया है, यह सारा क्षेत्र इससे दूषित है, परेशानियाँ भारी पड़ रही हैं, लेकिन शासन या प्रशासन का कोई आदमी बिल्कुल संज्ञान नहीं ले रहा है। इस बात को लेकर धरना लगातार चल रहा है, इसी धरने को सफल बनाने के लिए, सहयोग करने के लिए हम यहाँ जाएँ। इस अपडेट में फिलहाल इतना है, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट।